क्या मायावती को था किसी का डर? आखिर क्यों आकाश को उनके पद से हटाया गया? लोगों ने आकाश को क्यों नसीमुद्दीन सिद्दीकी से जोड़ा? क्या इसी सख्त फैसले से घट रहा है बीएसपी का जनाधार? लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ ही था, सियासी गलियारों में वोटिंग को लेकर बातें हो रही थी, मगर बीएसपी में तो कुछ अलग ही चल रहा था। मायावती ने अपने भतीजे को बड़ा झटका देते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उनको हटाने के साथ उत्तराधिकारी की दी गई जिम्मेदारी भी ले ली। इस फैसले में उन्होंने अपने चिर परिचित एक्शन लेने वाली शैली भी दिखा दी। मायावती ने आकाश पर एक्शन लेते हुए पार्टी के विजन का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये बताया कि पार्टी लाइन से हटकर पहले भी कोई नहीं बोल पाया और आगे भी नहीं बोलेगा। मायावती ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। कभी बीएसपी सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती ने 2017 में पार्टी से बाहर कर दिया था। इस बार आकाश आनंद को जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए मायावती कहती हैं, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी को और मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, मगर पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट, काशीराम और खुद के समर्पण का जिक्र करने के साथ मायावती आगे कहती हैं कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर तरह का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। इस तरह मायावती ने एक बार सिद्ध कर दिया कि पार्टी लाइन से हटकर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। पार्टी के अंदर का मामला हो या प्रशासनिक शक्ति, साल 1995, 1997 और 2002 और 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने ऐसे कई फैसले लिए हैं। उनके ताज़ा फैसले ने पार्टी के अन्य नेताओं को भी सीख दी है। अब ऐसे में देखना ये है कि आकाश आनंद अब आगे क्या करते हैं। क्या बुआ से बगावत करेंगे कि आला नेताओं के तर्ज पर पार्टी में ही रहकर बीएसपी के लिए काम करेंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा।